हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद ईजान। दिस इज कपिल भट्टाचार्य। सो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है, सेगमेंट भी स्पेशल है और मैं थोड़ा इसके बारे में एक्साइटेड भी था बनाने के लिए। पहले थोड़ा रिसर्च किया तो रिसर्च से पता चला पहले कितना रिग्रेसिव माइंडसेट होता था। 1963 में एक चैरिटी मैच में तब के इंग्लैंड कैप्टन ने बोल भी दिया था कि अगर एक महिला क्रिकेट खेलती है तो वो सिमिलर है कि अगर कोई पुरुष नीटिंग कर रहा है। तो नीटिंग इज कंसिडर्ड समथिंग जो पुरुष करते हैं, और इससे पता चलता है रिग्रेसिव माइंडसेट और द डार्क साइड ऑफ द पेट्रियार्की, जो कोई भी सिविलाइज सोसाइटी का मतलब एक पार्ट था, ये हमेशा से पार्ट रहा था। इसको हम इग्नोर कभी कर नहीं पाए। लेकिन आज का वीडियो वुमेन्स क्रिकेट को चेरिश करने के लिए बनाया गया है। जो वुमेन्स क्रिकेट का जो डेवलपमेंट हुआ है थ्रू आउट द ईयर्स, और आज ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल, जितना रेवेन्यू वुमेन्स क्रिकेट जनरेट कर रहा है उसको चेरिश करने के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। इंडिया इज प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट ऑफ देयर लाइफ, और इंडिया का जो टैलेंट है वुमेन्स क्रिकेट में अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल्ड। एंड स्मृति मंदाना, शी इज नाउ द लीडिंग रन स्कोरर, सेकेंड हाइस्ट रन स्कोरर, एंड फॉर अस द लीडिंग रन स्कोरर। The strike rate in which she bats, it was something which was considered as an impossible task for a lady. 125 plus strike rate, and the skill sector of Indian cricket team and overall all the women cricketers are, it's like when I was a kid I never imagined that okay ye log itna skillful ho sakte hain, ye kyu hua? इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थिंकिंग, माइंडसेट का डेवलपमेंट, माइंडसेट का डेवलपमेंट हुआ तो हम लोग एक बिग क्रिकेटिंग नेशन बन सकते हैं और बन चुके हैं। सिर्फ मेंस क्रिकेट से नहीं होता, वुमेन्स क्रिकेट से भी होता है। और क्रिकेट इज समथिंग वो एक सबको जोड़ता है, वो कभी किसी को आगे मतलब ऐसे नहीं कर सकता कि किसी कोई इसको आइसोलेट कर दिया, इसको आइसोलेट कर दिया, सबको जोड़ता है। और ये जो हम लोग का नेशन है, In this nation, we know we are secular, but cricket is the ultimate religion of this nation, and it binds us together. Men, women, हर जगह से discrimination हटाने का सबसे beautiful तरीका है sport. I know अलग-अलग sports है जिसको हम neglect कर रहे हैं because of cricket. Cricket के भी lacunas है और सब लोग cricket में invest कर रहे हैं, वो लोग भी equally हम लोग को वो चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा जिस तरह हमने cricket पे development दिया, ताकि मतलब development हुआ cricket का, जिस तरह बाकी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि ओलंपिक्स में भी हमारा परफॉर्मेंस कई हद तक अच्छा होने लगा। और इसी के साथ अगर हमें ऐसे ही चलते गए ना तो सब जगह पे हम लोग का डेवलपमेंट होगा। और आई लाइक टू थैंक द BCCI, इवन ऑल द स्टेट बोर्ड्स जो इतना मोटिवेट कर रहे हैं लड़कियों को क्रिकेट खेलने में। ये जो पेट्रियार्की हटाया गया है, जिस तरह से अगर आप इवन मिताली राज का बायोपिक भी देख ले, उस उधर आपको समझ में आता है क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। वो लोग किसी मेन के अंडर नहीं खेल रहे, वो लोग अपना एक एंटिटी है। और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मिताली राज कौन बनेगा, नेक्स्ट झूलन गोस्वामी कौन बनेगी, नेक्स्ट हरमनप्रीत कौर कौन बनेगा, नेक्स्ट स्मृति मंदाना कौन बनेगा, वो होना चाहिए। जिस तरह हम सचिन तेंदुलकर का बात करते थे, हर लड़की के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा, देन कोई मेल क्रिकेटर आना चाहिए। ये बस ऐसा बात नहीं है कि हम मेल क्रिकेटर या फीमेल क्रिकेटर के बारे में से फेवरेट नहीं हो सकता, इट्स ऑल अबाउट वन थिंग, इक्वालिटी। सो इफ यू आर लाइकिंग माई चैनल।